सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बहुत दिनों के बाद खेल रहे हैं ब्रेन आउट। सो बिना समय गवाए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेवल 41। हाउ मेनी फ्रेंच फ्राइज बिलो? वैसे तो 6 ही है। फ्रेंच फ्राइज बिलो मतलब ये सब गिनने हैं या? ठीक है, मूव होता है पहले, ये सब देखते हैं मूव कर। पता ही था पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब ये काउंट करने के, ये सब काउंट करते हैं। रुको, पहले हम ये काउंट करके देखते कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज भगवान, करेक्ट आंसर होना चाहिए 10। करेक्ट ही है। नाइस वर्क, थैंक यू। फाइंड द पैंडा। अब ये सारे एलिफेंट में हमें पैंडा ढूंढना है। किधर है पैंडा? पैंडा पैंडा पैंडा, वेयर आर यू? ओ ओ ओ ओ, ये रहा पैंडा हमारा। क्यूट सी स्माइल है फेस पे। You are so smart, thank you. Damn, I can't stand this mess. अच्छा जी, mess मतलब क्या? ये कलर लगा हुआ मैं पूछना है? कैसे पूछते हैं ऐसे? इधर तो कपड़ा भी नहीं है उसको पूछने के लिए, कैसे पूछूं? ये मुंह कुछ तो मुंह होता नहीं, ऐसे होगा कुछ? हाँ हाँ हाँ, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, गया गया। इट्स लुक बेटर नाउ। यस करेक्ट। लेवल 44। क्लिक द ऑरेंज रेक्टेंगल 3 टाइम्स देन द ग्रीन रेक्टेंगल 5 टाइम्स। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 8। क्लिक द ऑरेंज रेक्टेंगल 3 टाइम्स देन द ग्रीन रेक्टेंगल 5 टाइम्स। तो बराबर तो क्या है ये? 3, 1 2। ओ भाई, ये ऐसा होता है। इट्स ट्रिकी वन। हाँ हाँ, बहुत सही। हाउ टू मेक योर ड्रीम केम ट्रू? ये क्या है? चिराग, चिराग ही बोलते हैं ना इसको, अलादीन का। तो कम ऐसे घिसते, ए जीनी बाहर आया, क्यूट सा जीनी है इधर। तो हमारे पास 3 विशेष है, या फिर इसने 3 ये हमको दिए है चूज करने के लिए। ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड। राउंड देयर्स अ कैबिन बाय द लेक, मास्टर सेवरल लैंग्वेज। ठीक है, शायद ये हमारी 3 विशेष है, तो हमें इसमें से कुछ क्या चूज करना है। ठीक है, एक ये करते हैं। ये ट्रेवल अराउंड अराउंड होना चाहिए ना, कि हम तीनों को करके देखते हैं क्या होता है। Nope. नहीं होता है कुछ जी, नहीं। अच्छा, क्या करना है? रुको, पहले इधर को उधर क्लिक करके देखता हूँ, कुछ ना कुछ हो। नॉलेज इज द पावर। मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो खाली इधर उधर क्लिक कर रहा था, उसमें कुछ हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है। विश शेप हैव द मोस्ट साइड्स। विश शेप, आई थिंक ये हमको आके गया है आगे भी। उस बार मैंने सर्कल ही चूज किया था, इसलिए मैं इस बार ही। यस करेक्ट आंसर। Does a circle have zero or infinite sides? It's a question. Okay. Level 47. Fill in the blanks. 2 3 4 15 20 4 5 6 45 30 5 6 7 6 6 42 6 7 8 ? Fill in the blank. 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12. रुको, मैं 12 लिख के देखता हूँ क्या होता है। नहीं, ये पता ही था। कैसे करूँ मैं इसको? 12 20 30 42 56 15 28 45 66 क्वेश्चन मार्क। क्या 6 7 8 9 लिख के देखते हैं हम क्या होता है। ये भी नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 7 hours later. So guys, मैंने बहुत दिमाग चलाया लेकिन मुझे इसका आंसर पता नहीं चला, तो एक आंसर देख लेते। 28 minus 15 is equal to 13. 45 minus 28 is equal to 17. 66 minus 45 is equal to 20. So question mark is 66 is equal to 25. अब ये 91 आंसर कैसे आया ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन 91 आंसर है। ठीक है,
यू मस्ट बी रियली गुड एट मैथ। भाई मैं बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ, मुझे सबसे कम मार्क्स मैथ्स में ही आते थे। वेक अप द लिटिल पिगी सो रहा है, कैसे उठाए? ऐसे कैसे? ए उठ, ए गुदगुली करूँ? होती होगी पिग्स को, क्या करूँ उसके ऐसे। ए परफेक्ट। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसके नाक को ऐसे रब किया, फिर वो लाल हो गया, फिर उड़ गया। ओके यू कैन लेट गो नाउ, ठीक है। हेल्प देम गॉट ऑन अ ब्लाइंड डेट सक्सेसफुली। ये डॉगी ऐसा आधा बाहर क्यों है फ्रेम के? शायद ये एप्लीकेशन का कुछ ग्लिच है। ब्लाइंड डेट सक्सेसफुली तो लड़की को नहीं 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 क्या लड़की को कुत्ता चाहिए? ए लड़की, उनके ऐसे हाथ पकड़ू? नहीं। ए डॉगी, ये डॉगी का सिर्फ ये तीनों को कुछ नहीं हो रहा है, बाकी के ये तीनों को कुछ हो रहा है। मतलब आई लव यू, वो डॉगी पीछे घुमा और आई लव यू लिख के आया। अब ये क्या हुआ वो मुझे पता नहीं। भाई साहब लेवल 50, फाइंड द नंबर 8। ठीक है, हम ऐसे देखते हैं इधर किधर है क्या, क्योंकि इस रो में नहीं है। इस रो में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, किधर होगा? रुको हम ऐसे देखते हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इधर भी नहीं है। ए, मिल गया हमें नंबर 1, मिल गया। भाई इतना सा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। डेजिग्नेस पता नहीं क्या है। लेवल 51, फाइंड आउट द हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन के शायद कितने, 6 साइड होते हैं ना? ठीक है, शायद हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। हो गया, ऑसम। लेवल 52, व्हाट कम आफ्टर AEBFC? AEBFC शायद इनको ABCD उल्टी सिखाई है। ABCDEF तो D होगा, अबे साले नहीं होगा। व्हाट्स कम आफ्टर AEBFC? ये ABC सीधा है बराबर, इधर D मिसिंग है और EFG जी होगा, देखते। अरे बहुत ताड़, यू हैव स्ट्रॉन्ग लॉजिकल माइंड। हाँ सही है। व्हाट नंबर विल हर हैंड पॉइंट टू आफ्टर 3 hours? ठीक है, घड़ी में बजे है 9 और 3 घंटे बाद होते हैं 12, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये आंसर नहीं होगा। पता ही, 3 घंटे बाद तो 12 ही बजेंगे, क्योंकि घड़ी में आपको 9 ही बजे हैं। चेक करके देखो क्या एक बार, इसका कोई लॉजिक तो नहीं बनता, लेकिन करने में क्या जाता है। नहीं था, पता ही था। क्या करूं? 7 hours later. So guys, मुझे तो इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम इसका भी एक आंसर देख लेते हैं क्या, क्योंकि मैंने बहुत इधर उधर एरो पे क्लिक किया है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये घड़ी भी हिलती नहीं, तो एक आंसर देख लेते। हमें ऐड देखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास की तो नहीं है, तो हम ऐड देखते हैं पहले। The next day. So, ठीक है गाइज, ऐड देखने के बाद हमारे पास एक की तो आ चुकी है, तो देखते हैं हम इसका यूज करते हैं क्या आंसर होता है। 9, इट्स जस्ट अ पिक्चर, द क्लॉक डजंट वर्क। भाई कुछ भी चल रहा है, अब ये पिक्चर है हमें कैसे पता चलेगा? क्या बोलूं मैं, जाने दो। 9 आंसर है। मे बी यू कैन वेट फॉर 3 hours टू गेट द आंसर टू। कुछ भी। हाउ मेनी चिक्स आर देयर? अब मुझे पता है ये इधर 4 है, लेकिन इधर उधर छुपे मिलेंगे। ठीक है, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पता ही था मुझे,
तो 3 और 3 6, लेकिन इसका आंसर 6 nope. नहीं है। बटन भी देखते ए ए बटन के नीचे ओ ये कितने इधर है, कुछ इधर नहीं है, तो ये 6 7 8 9 10 11 ठीक है, करेक्ट आंसर है। लकी फॉर यू, कंफर्ट माय डॉग। क्यों डॉगी, प्यारा सा डॉगी, क्यों उदास है तू? ये लो आपकी हड्डी, नहीं चाहिए इधर रखू, नहीं चाहिए क्या करूँ, कंफर्ट माय डॉग, तो क्या करूँ इस डॉगी के ऐसे करके सेल आऊ, यही करना था। डोंट फॉरगेट टू अकंपनी हिम, ठीक है। मेक द इक्वेशन ट्रू, 10 इज इक्वल टू 1। 10 इज इक्वल टू 1, ये कैसे पॉसिबल है, 1 इज इक्वल टू 1 होता है ना। अच्छा ठीक है, सारे मुंह होते हैं, ये क्या हुआ, रुको इधर ऐसा करता हूँ तो कुछ तो होता है। अच्छा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, बराबर है, गुड थिंकिंग, यस थोड़ा बहुत दिमाग हमें भी है। फाइंड द मदर हैन, अब इन बच्चों की माँ किधर गई है, भाई ये मुंह होता है ऐसा, किधर गए बच्चे, अच्छा इधर है, ये रही मदर हैन। गुड गोइंग, एड अप 3 लार्जेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, एड अप 3 लार्जेस्ट नंबर, 3 सबसे बड़े नंबर मतलब इनमें से चूज करना है, इनमें से, इनमें से तो देखो 6, 5 और 3, 6 प्लस 5 11 और 3 14, तो इसका आंसर 14 नहीं है। एड अप 3 लार्जेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, मतलब इन सब में से ना, तो इफ सब में से देखा जाए तो रुको ये क्लियर करता हूँ, 7 8 और 9 नहीं है क्या, इनको सबको प्लस करना है, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 24, देखते सही आंसर है, लगा ही था मुझे। डोंट फॉरगेट द कीबोर्ड नंबर, अच्छा लेवल 59, प्लीज एंटर अ 5 डिजिट नंबर पासवर्ड, ठीक है ये कुछ मुंह नहीं होता है, 5 डिजिट नंबर पासवर्ड, इधर मिरर है और इधर एरर है, मिरर में एरर, प्लीज एंटर अ 5 डिजिट नंबर पासवर्ड, अब ये भी 5 डिजिट, हाँ ये 5 डिजिट है ना, तो हम ऐसे अगर ये मिरर इधर आए, इधर मतलब इस हम मिरर से नंबर देखे तो 3 1 1 0 1 करेक्ट, 3 1 1 0 1, अच्छा ये आंसर नहीं है, अगर मिरर हम उल्टा करें वो जैसे ना वो एम्बुलेंस पे नंबर उसका एम्बुलेंस का नाम कैसे उल्टा रहता है और हम कार के मिरर में देखते हैं तो हमें वो सीधा नजर आता है, शायद ये भी कुछ वैसा ही है, तो 10113 10113 है, ये भी नहीं है क्या है, क्या हो सकता है इसका आंसर, या फिर शायद ये 7 है, तो रुको हम पहले 3 7 7 0 7 3 7 7 0 7 नहीं, अब हम इसका उल्टा लिखते हैं 7 0 7 7 3, भाई आपके भाई में थोड़ा सा दिमाग तो है, कूल। द लिटिल एलिफेंट इज सो लोनली, क्यों आपके साथ इतने सारे फ्रेंड्स तो है, ये प्यारा सा डॉगी है, बटरफ्लाई है, सुन नहीं है, मैं लेटर को क्लिक करता हूँ और एलिफेंट को क्लिक करता हूँ तभी ये बजर बजता नहीं है, मतलब इन दोनों में ही कुछ है, ऐसा करूँ कुछ, नाक दबाऊँ, कान ऐसा करूँ, कॉपी, कुछ भी चल रहा है इस गेम में, सी नॉट लॉन्गली एनी मोर, क्या बोलूं मैं। सो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक
कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपको माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।